Assalamu alaikum to all my dear students. कैसे हो आप बेटा? Now in the last period, हमने last period में हमारा ये singular plural के ये सारे concept clear कर लिए थे. If you have any query, अगर कोई query या confusion हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. First, अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं करा है तो आप हमारे school के channel को subscribe कीजिए और हमारे videos को properly पूरा देखिए और उसे like कीजिए. Okay? Now today we will start from question G. हम question G से start करेंगे. Look at this picture. हमें ये picture based question है. ठीक है बेटा? Complete these sentences with the words in the box. यहाँ पे हमें help box के तौर पे ये जो box दिया गया है, इन boxes के अंदर हमारे answers दिए हैं. हमें यहाँ sentences को read करना है, picture में देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है. First यहाँ पे हमारे लिए complete करा हुआ है. There are two books on the table. टेबल पे कितनी बुक्स है बेटा? दो. तो एक से ज्यादा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बुक्स. तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये हो चुका है. नाउ नेक्स्ट, देर आर प्रिटी डैश ऑन द ट्री. नाउ ट्रीज के ऊपर क्या है? प्रिटी प्रिटी फ्लावर. एक है कि एक से ज्यादा है? ज्यादा है. तो ये हो गए फ्लावर्स. सो यहाँ पे जो हमारा फ्लावर्स लिखा है ये हम यहाँ लिख देंगे फ्लावर्स. ओके बेटा, नाउ देर आर प्रिटी फ्लावर्स ऑन द ट्री. ओके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. नाउ नंबर थ्री, देर आर फोर डैश इन द रूम. अब हमें देखना है कि रूम में कौन सी चीजें हैं जिनकी क्वांटिटी फोर है. बुक्स तो दो है, टेबल लैम्प एक है, दो पिक्चर्स है. ओके, चेयर कितनी है? वन टू थ्री फोर. तो हमारी कितनी है? एक से ज्यादा है. तो हम क्या लिखेंगे? चेयर्स, सी एच ए आई आर एस, चेयर्स. सो देर आर फोर चेयर्स इन द रूम. नाउ नंबर फोर, अ लिटिल गर्ल प्लेज विथ टू. टू, ये जो गर्ल है इसने दो, किन दो चीजों के साथ ये खेल रही है? टू डॉल्स. ओके, दिस इज अवर नंबर फोर, डी ओ डबल एल एस, डॉल्स. अ लिटिल गर्ल प्लेज विथ टू डॉल्स. ओके, नाउ नंबर फाइव, द किटन सिट्स ऑन टॉप ऑफ अ ब्लैंक. किटन, ये जो है बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे हम किटन कहते हैं. वो कहाँ बैठा है बेटा? किसके ऊपर बैठा हुआ है? बॉक्स के ऊपर, क्योंकि एक है, इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे? सिर्फ बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स. सो यहाँ हमारा क्वेश्चन जी फिनिश हो चुका है. ओके, नाउ इस अवर्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन एच. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स टू कम्प्लीट दीज स्टोरी. बेटा हर एक सेंटेंस के लिए जो है ना, यहाँ पे हमें दो दो वर्ड्स ऑप्शन में दिए हैं. हमें राइट वर्ड को सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना है ताकि जो हमारी स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाए. ओके, वन डे रिया टेक्स अ बस बसेस टू गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस. यानी रिया ने जो है एक दिन बस में गई. कहाँ जाने के लिए उसने बस को रिया टेक किया? यानी बस में चढ़ी उसकी ग्रैंड मदर के घर जाने के लिए. तो क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही बस में ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो ये आएगा हमारा बस. एक से ज्यादा हो तो बसेस. शी मीट्स एन ओल्ड लेडी इन द बस. उसे जो है वहां पे एक उम्र दराज, एक उम्र वाली लेडी, ओल्ड लेडी मिले वहां पे. ठीक है, द ओल्ड लेडी हैज अ बास्केट और बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स. तो इसमें आएगा हमारा बास्केट, क्योंकि एक बास्केट में हम कई सारी चीजें रख सकते हैं. सो इसमें हमारा एक सिंगल बास्केट ही हम लेंगे. द लेडी हैज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स भरे हुए थे उस बास्केट के अंदर. देर आर टू, अभी यहाँ के टू बताया है तो बेटा एप्पल नहीं लेंगे हम, एप्पल्स लेंगे. क्योंकि अगर वन हो तो एप्पल आएगा, वन से ज्यादा है, एक से ज्यादा हो तो हमें प्लूरल फॉर्म लेना है. तो टू एप्पल्स, टू बनानास एंड थ्री ऑरेंजेस. समझ में आया बेटा? क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए हम इनके प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं. शी गिव्स रिया एन ऑरेंज एट अ टाइम. आपको कोई इंसान ऑफर करेगा तो एक फ्रूट देता है, कोई आपको पूरी ट्रे नहीं दे देगा. ठीक है, तो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने रिया को कितने ऑरेंज दिए? एक ऑरेंज दिए. रिया पीज द ऑरेंज, उसने ऑरेंज को ओपन करा. बट ओह नो, टू वॉर्म्स वॉर्म्स पुट आउट. यानी जो दो कीड़े नहीं होते बेटा, जो फ्रूट्स वगैरह में, वेजिटेबल्स में होते, वो दो कीड़े जो है उसे दिखे, जैसे उसने छीला ना वैसे दो कीड़े बाहर आ गए. रिया ड्रॉप्स द ऑरेंज एंड जम्प आउट ऑफ हर सीट. यानी जैसे वो देखी तो वो घबरा गई, तो उसने अपने हाथों से फेंक दिया और अपनी बेंच पे कूद के बैठ गई. द ओल्ड लेडी लाफ्स एंड गिव्स
her an apple. क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्ची तो डर गई और हंसने भी लगे पहले उसकी हरकत पे, फिर उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि वो ऑरेंज खराब था, इसके लिए उन्होंने उसे एक एप्पल ऑफर कर लिया. रिया डज नॉट ईट इट. रिया ने उसे खाया नहीं. शी पुट्स इट इन अ बैग. उसका जो बैग था उस बैग के अंदर रिया ने उसे रखा. बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें प्रॉपर नीड करके अंडरलाइन ही करना है. ये आपको आपकी इसी ग्रामर लाइन की बुक के अंदर ही लिखना है, हमें नोटबुक में लिखना नहीं है. ठीक है बेटा. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाय एक्सरसाइज, वर्क इन पैर. लुक एट दिस गार्ड विथ पिक्चर्स ऑफ 9 डिफरेंट आइटम्स. राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज आइटम्स एंड हाउ मेनी देयर आर. देखो बेटा यहाँ पे ना हर चीजें स्प्रेड की हुई है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 ग्लासेस है. सो वैसे ही आपको एक एक चीजों को देखना है, कितने वॉचेस है, कितने ग्लासेस है, कितनी प्लेट्स है, कितने बॉक्स है, कितने बर्ड्स है, और फिर उसके हिसाब से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट कीजिए. आपको जैसा आता है वैसे कीजिए. आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि राइट होगा या रॉन्ग होगा, इट हैपेंस. आप करिए, मैं इसका आपको नेक्स्ट पीरियड में आंसर बताऊंगी, पर उससे पहले आपको इसे खुद से ट्राई करना है. ओके बेटा. ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को प्रॉपरली फुल देखिए और इसे लाइक कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.